हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे। गाइस, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हो, एक मेरा जो सब्सक्राइबर मुझे कमेंट किया था, तो उसकी बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक पहले जो बोलना चाहूँगा, थैंक यू जो मुझे ये जो है क्वेश्चन किया, तो ऐसा ही मुझे आप भी करते रहो, उसका ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको भी यहाँ पे हेल्प हो सके। तो बेसिकली आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप HDFC बैंक का यूज़र हो तो आपके यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको मालूम नहीं है, तो इसको कैसे जो है जनरेट कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कस्टमर आईडी। ओके, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा गाइस, जो भी मैं बैंक रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ तो आपका जो है सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है, तो उम्मीद है इस वीडियो पे भी आपका सब अच्छा रहेगा। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में आगे जाके बताने वाला हूँ गाइस, आप स्किप मत कीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, चैनल पे नया आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। गाइस वो फ्री है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस अभी फाइनली अभी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम एक न्यू टैब में जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको चले जाना है, पहले यहाँ पे सर्च करना है आपको HDFC पर्सनल बैंकिंग। ओके, इसके ऊपर हम जाएंगे। ये आप जैसे जाते हो तो आपके सामने अच्छा कुछ जो है इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन में चला जाना है, देन लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के गाइस आपके सामने अच्छा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू द न्यू लॉगिन पेज फॉर नेट बैंकिंग, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नेट स्लो चल रहा है इसके लिए, तो हम थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तब तक आपको मैं बोलना चाहूँगा, इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो गाइस, ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए बैंक रिलेटेड आपको भाई मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये ओपन होने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरगॉट कस्टमर आईडी। ओके, तो यहाँ पे फॉरगॉट कस्टमर आईडी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ जो है इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर रिट्राइव कस्टमर आईडी, एंटर डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन कम्प्लीट, तीन स्टेप आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन है मोबाइल नंबर आपका डाल देना है, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ मंथ ये डाल देना है, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देना है, सिक्योरिटी नंबर डालना है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है यू कैन सी, ये आपको नीचे आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ पेज आएगा, यहाँ पे आपको OTP डाल के कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा आपको वेट कर लेना है, देख सकते हो आपका कस्टमर आईडी जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप जो है इसको लॉगिन कर सकते हो, और बेसिकली यही प्रोसेस है। और कुछ अगर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। सो गाइस, यही कुछ बेसिक प्रोसेस है, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर और कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट करूँगा गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।